पानीपत पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। कुछ दिन पहले एक युवक का अपहरण कर उसे 80 लाख रुपए की फिरौती उसके परिवार वालों से मांगी थी, लेकिन एसपी पानीपत के संज्ञान में आते ही यह मामला जो है सीआईए को सौंपा गया और सीआईए ने दिन रात कर कुछ ही घंटों में आरोपियों को पकड़ लिया। इसमें दो पिस्टल भी बरामद हुई है। इसमें चार जो हैं आरोपी पकड़े गए हैं, जिसमें मुठभेड़ जो है बताई जा रही है, सुबह इनकी मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के बाद जो है उस युवक को सहकुशल जो है छुड़वा लिया गया। एसपी पानीपत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चलते हैं। तो जैसा आपको पता है कि 21 मई को थाना किला में एक अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें आशीष सैनी ने अपने भाई छोटे भाई नीरज सैनी के अपहरण करने के बारे में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तो हमने मल्टीपल टीम्स फॉर्म किए थे, सीआईए वन लगी हुई थी, सीआईए 3 थे, थाने की टीम थी, साइबर की टीम थी, और इसमें हमें आज तड़के सुबह 4 बजे के आसपास हमें कुछ सफलता मिली है। एनकाउंटर भी हुआ था, ब्रीफ एनकाउंटर, एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ था। हमारे पास हमारी जो टीम है वो रात में, कल उन्होंने रैनसम कॉल किया था, 80 लाख रुपये की डिमांड की थी जो अपहरण करता है, तो उस पर फिर हमारी टीम जो रात में गश्त पे थी और उनको कुछ सोचना थी कि यूपी के नंबर की जो गाड़ी थी जो अपहरण में इस्तेमाल हुई है उसके मूवमेंट की सूचना थी। तो जब मोहाली राजाखेड़ी रोड पे वहाँ पे हमारी टीम मौजूद थी, तभी उनके पास फ़ोन भी आया जो कंप्लेनेंट है उनका, कि जो किडनैपर्स हैं उनका फिर से फ़ोन आया, वो पैसे डिमांड कर रहे हैं, वो पैसे लेने के लिए आ रहे हैं। तो तभी इनको वो गाड़ी दिख जाती है, वहाँ पे पुलिस को देख के वो फायरिंग करते हैं। तो उस गाड़ी में 3 लोग सवार थे, तो उसमें से जैसे सेल्फ डिफेंस में इन्होंने भी फायर किए और 2 लोग को गोली लगी है, बट टांग में ही लगी है, पैर में लगी है, तो ऐसे कुछ सुरक्षित हैं वो लोग। और मैंने फॉलो भी किया, अभी पीजीआई रोहतक में एडमिट है और वो तुरंत आज ही डिस्चार्ज हो जाएंगे, अभी एक्सरे रिपोर्ट पेंडिंग है उनकी और उनकी बाकी सेहत ठीक है। और हमारे पुलिस मुलाजिम किसी को गोली लगी नहीं लगी, उन्होंने फायर किए थे, बच गए। और इस बेसिस पे एक अलग मुकदमा भी दर्ज कराया गया उन पर 307 का, बिकॉज उन्होंने फायरिंग किया था पुलिस टीम पर। उसके अलावा जब उनसे पूछताछ की तो फिर उन्होंने बताया कि हमने पास में ही जो जिसको विक्टिम है नीरज सैनी, उसको हमने उन्होंने किडनैप करके रखा हुआ था, रस्से से बांध रखा हुआ था, तो उसके साथ एक और व्यक्ति था, तो उसको भी हमने राउंड अप किया। कुल मिला के 4 लोग अरेस्ट हुए, 4 लोग इसमें हमने राउंड अप हुए और विक्टिम जो है वो सकुशल बरामद हो गया। और इसमें कोई भी हम कोई पैसे एक्सचेंज नहीं हुए, मतलब हमने कोई रैनसम पे नहीं किया इसमें। जो ये रहने के जो लोग थे, ये जो चारों जो एक्यूज हैं, वो उसमें से 2 जो जिसको गोली लगी है वही पानीपत के रहने वाले, टेम्प्ररी 15 साल से रेडी लगा रहे हैं यहाँ पे, एक गन्ने की रेडी लगा रहा है और एक आपका चाउमीन की रेडी लगा रहा है, बट वो पीछे से वो मेरठ मुजफ्फरनगर के ही हैं। बाकी दो साथी जो और अरेस्ट हुए वो भी मुजफ्फरनगर के ही हैं। इसके अलावा एक और इनका साथी है, 5वां जो अभी वो नहीं हमें अभी हमारे हाथ है, वो बागपत का रहने वाला है। जैसे ही उनको पैसे चाहिए थे, पैसे फिरौती के लिए ही उन्होंने अपहरण किया था इसका। और चूँकि जो 2 मेन एक्यूज हैं वो उसी कॉलोनी के रहने वाले हैं, उसके आसपास के कॉलोनी के रहने वाले हैं, तो उसको इस बात की गलतफहमी कह लो या जो भी था, उनको लगता था कि भाई इसके पास पैसा काफ़ी है, तो सोचे कि अगर हम थोड़ा जल्दी से अमीर बनने के उनके जो सपने थे, इस कारण से उन्होंने अपहरण किया। और हमने गाड़ी वगैरह को भी आइडेंटिफाई किया, काफ़ी सारे CCTV फुटेज स्कैन किए, उसमें सभी गाड़ी का नंबर हमें पता चल गया था कि गाड़ी है, तो इसलिए मुखबर को हमने अपना नंबर बता रखा था कि ये हमारा ये है आइडेंटिटी। हमने टीम मुजफ्फरनगर भी हमने टीम भेज रखा था, तो कल मल्टीपल जगह से हमें टीम्स काम कर रही थी और हमें ये आज ये क्रिमिनल लाइन में कोई चाली अभी तो चले रिमांड, क्योंकि आज सुबह की घटना राउंड अप हुआ है और वो एडमिट वगैरह हो गए हैं, तो ज़्यादा डिटेल नहीं पता, बट एक पता चला है कि इसमें जो नीरज करके है उस पर चोरी के मुकदमे दर्ज हैं, किला थाने में ही हैं, और वो अम्बाला में जो उसमें शायद जुवेनाइल था, तो उस समय वो अरेस्ट हुआ था, तो जुवेनाइल होम से अम्बाला से फरार हुआ है, बट हम ये अभी स्टिल इट हैज़ नॉट बीन वेरीफाइड, हम जो है अम्बाला से वेरीफाई करेंगे तभी कुछ इसमें पुष्टि कर सकते हैं। सर 24 घंटे हो चुके थे इसको, अभी रात में उन्होंने अपने अंडर ले रखा था, तो कहाँ पे रखा सर इसको, मारपीट भी की गई इसके साथ ही? थोड़े बहुत तो स्ट्रेस में था ही वो, है ना, थोड़ी बहुत चोट लग रही थी उसको, और वो जब वो किडनैपिंग करके फिर वो गांव से ना उधर राजाखेड़ी होते हुए रूट आपको दे देंगे, राजाखेड़ी कुराड़ होते हुए कुराड़ के पास उन्होंने फ़ोन फेंका था, कुराड़ से फिर बपौली होते हुए समालखा से वो दिल्ली चले गए थे, दिल्ली बागपत सोनीपत की तरफ, वहाँ से एंटर करके यूपी चले गए थे। रात में उधर कहीं उन्होंने खेतों जंगलों में समय बिताया, फिर वो मुजफ्फरनगर चले गए, फिर वहाँ से उनको जब उन्होंने रैनसम कॉल किया तो
हमारी परिवार से बातचीत हो रखी थी, अगर आपको पता होगा कि वो पैसे मांगेंगे तो आप उनको बुला लेना पैसे देने के लिए, इस टाइप की बातचीत हो रही थी। हाँ, दो हथियार बरामद हुए हैं, 312 बोर के एक हथियार बरामद हुए, 315 बोर, जैसे मैंने बताया कि फायरिंग उन्होंने किया था। जी, आप कुछ बोल रहे थे? जो जिसकी किडनैपिंग हुई है वो 27 साल है उसकी उम्र, और जो किडनैपर्स हैं जो एक्यूज हैं वो 22 से लेकर 27 साल की उम्र के हैं। और पैसे, कुछ पैसे दिए नहीं हमने, ये चोरी की नहीं है, उसके अपने अंकुर करके जो एक है उसके अपने रिश्तेदार की गाड़ी है, मुजफ्फरनगर RTO पे रजिस्टर्ड है, और हमने ये CCTV फुटेज से हमने गाड़ी आइडेंटिफाई कर लिया था। ऑल्दो उन्होंने उस पर गोबर वगैरह लगा रखे थे, कुछ मिट्टी लगा रखी थी उन्होंने, बट काफ़ी मेहनत की, तो एक दो CCTV फुटेज से उसकी गाड़ी का नंबर डिस्प्ले हो गया था। सर, गोली तो नहीं है, जो गोली लगी है उनको पैर में गोली, एक बार वो देख लेते हैं, एक्सरे रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही बता रहे हैं। पुराना कोई रिकॉर्ड निकला हो अपराधी किस तरीके की कोई घटना करी हो कैसा? अब इतनी बड़ी घटना तो उन्होंने नहीं कर रखी, बट जैसे मैंने बताया कि एक पे तो चोरी का मुकदमा तो दर्ज मिला हमें, और बाकी और भी जैसे रिमांड के दौरान, क्योंकि अब ज़्यादा पूछताछ नहीं हो पाई है। सर, क्या इनका शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने का ही? बिल्कुल बिल्कुल, कोई और मकसद नहीं था इनका, शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने का ही था। जैसा कि इनके जो कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट जो बड़ा भाई है, उसके पास कल रैंसम की कॉल भी आई है, कल दिन में 11 बजे के आसपास उन्होंने एक फ़ोन छीना था मुजफ्फरनगर में, वहाँ से उन्होंने फ़ोन किया था, फ़ोन छीना था, उस फ़ोन को उसके बाद फिर उन्होंने शाम में भी कॉल किया, शाम में भी बातचीत हुई है कि भाई पैसे देने हमारे, तो पैसे ही उनका मेन मकसद था। और ये काफ़ी बड़ी वारदात थी, क्योंकि इधर काफ़ी दिनों से मुझे नहीं लगता कि ऐसी किडनैपिंग हुई होगी, दिन दहाड़े इन्होंने 4-5 लोगों के आगे किडनैपिंग ली। बट मैं टीम को बधाई देना चाहूँगा जो उन्होंने अपने जान पर खेल के भी उसको रेस्क्यू किया और इंश्योर किया कि उसको कोई हानि ना पहुँचे और परिवार का भी कोई नुकसान नहीं किया, सकुशल बरामद किया। फिलहाल इस मामले में एक आरोपी फरार बताया जा रहा है और 4 आरोपी जो है पुलिस की गिरफ्त में है, 2 का इलाज अस्पताल में चल रहा है। इस सारे मामले में एक चीज़ जो है सामने निकल कर आई है, एक जो है रेडी चलाने वाला चाउमीन की रेडी लगाता था और दूसरा एक और रेडी लगाता था, दोनों ने साजिश रची और इन्होंने बताया कि इसके पास काफ़ी पैसा है, तो एक टीम इन्होंने अपनी गठित की, 5 लोग जो है इस टीम में शामिल किए गए, मुजफ्फरनगर यूपी के रहने वाले थे और 5 ने प्लान बनाया कि कब इसे जो है किडनैप करना है, किडनैप करके ये समालखा के रास्ते दिल्ली होते हुए बागपत चले गए और मुजफ्फरनगर में ये लोग घूमे और पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी कि कहीं ना कहीं वो लोग आसपास में हैं, तो चेकिंग के दौरान जो है ये लोग पकड़े गए। फिलहाल इसमें रैंसम जो मनी है वो नहीं दी गई थी और सहकुशल जो है वो युवक अपने घर पर पहुंच गया। पानीपत पुलिस की एक और सफलता जो है इसे कह सकते हैं। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।